बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को रखा है बिहार सरकार के आगे, और बिहार सरकार के आगे वह अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनकी मांगें यह हैं कि जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र या फिर अन्य प्रभावित क्षेत्रों में जैसे अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगती है, वैसे ही फोर्थ ग्रेड की भी, जैसे कि खाना बनाने वाले, पानी पिलाने वाले, इन लोगों की भी ड्यूटी पुलिस के साथ में लगती है। कंधे से कंधे मिलाकर वह पुलिस के चलते हैं, और अगर नक्सली प्रभावित इलाकों में मुठभेड़ होती है तो कंधे से कंधे मिला करके जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। वैसे में अगर वह शहीद हो जाते हैं पुलिस के साथ, तो उनको भी अनुदान राशि 25 लाख रुपया जैसे पुलिस कर्मचारियों को मिलता है, वैसे ही इन लोगों को भी 25 लाख रुपया अनुदान राशि मिलना चाहिए। ऐसी मांगों को लेकर के आज बिहार पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपना यहाँ पर हो हल्ला करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और देखें यहाँ पर संघ के महामंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग पूर्व में भी अभी बताए कि पूर्व में भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं मुख्यालय को, और सोमवार के दिन हम लोग DGP महोदय के कार्यालय में जाकर एक फ्रेश अति देंगे, और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी हमारी वार्ता हुई है। वो उनका भी कहना है कि आप लोगों को मिलना जायज है, आप लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कई एक बार ऐसा हुआ कि हमारा कर्मचारी भी उनके साथ पुलिसकर्मियों के साथ पिकेट पोस्ट से शहीद हो गए, और उनको अगर एक ही साथ शहीद हो, एक ही जगह पे शहीद हो, और एक ही कार्य के लिए शहीद हो, सुरक्षा हेतु, विधि व्यवस्था ड्यूटी हेतु, और एक कर्मचारी को 25 लाख रुपया मुआवजा दो, एक कर्मचारी को नहीं दिया जाए, ये सरकार या विभाग या आप मीडिया बंधु से हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये न्याय संगत है। अगर यह सब बात पर हमारे सरकार सौतेला व्यवहार करते हैं, ये नहीं मानते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर और उग्र आंदोलन की समस्या लेकर के आगे बढ़ेंगे, और सरकार के खिलाफ हम लोग नारेबाजी करके पूरे हड़ताल पर उतर जाएंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं। जो संगठन है, इसमें कौन कौन से लोग हैं? हमारे संगठन में बिहार पुलिस चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ में रसोईया, नाई, जलवाहक, धोबी, साइंस इत्यादि हैं, और उसका हम लोग बिहार पुलिस चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का नेतृत्व हम लोग संगठन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं, अपनी मांगों की मांग लेकर के इसका आंदोलन करते हैं। अगर हमारे पहले हम सरकार को लेटर के माध्यम से अवगत कराते हैं, अगर लेटर के माध्यम से वो हमारी समस्या को समाधान नहीं करते हैं, तो हम पुनः उस पर आंदोलन की कार्रवाई करते हैं। अच्छा, पहले कभी आप लोगों का कोई शहीद हुआ है कहीं पे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित? हमारे लुटुआ पहाड़ पर उग्रवादी गोली चला था, जो कि फूलत शर्मा हवलदार शहीद हुए थे, उसमें भी हमारे कर्मी खाना जो पकाते हैं डेक्चा हंडा, वह ओढ़ करके जान बचाए हैं अपना, जो कि आज उसका नाम है सूर्यदेव यादव, BMP 7 का था, और नागेंद्र ठाकुर, महेंद्र प्रसाद, नारायण केवट, ये लोग अपना किसी तरह जान बचाए हैं उस गोली में, जबकि उसमें उग्रवाद में उस अंधाधुंध गोली चला था, लेकिन हंडा ओढ़ करके बचाए अपना जान, तभी उसका जान बचा, अन्यथा वो शहीद हो जाते उस दिन। मेरे साथ शंकर बिघा में उग्रवादी के साथ गोली चला, उसमें हम मोर्चा में बैठे हुए थे, मोर्चा में मेरा सीट था, मोर्चे में लगा हुआ था, उस समय हम उग्रवादी जब गोली चला तो सिपाही पुलिस सब गोली चला रहे थे, और सिपाही अवकाश में था, उसका राइफल से हमने गोली चलाया, अगर हम गोली नहीं चलाते तो मेरा भी जान उस दिन शहीद हो जाता। तो इसलिए सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस पर अगर पूरा विचार नहीं करते, मेरा अंशदान कटौती में नहीं करते हैं, या मेरे समस्या का समाधान निदान नहीं करते हैं, तो हम इस पर पूरा आंदोलन पर उतर जाएंगे। जलवाहा के पद पर बहाल हूँ, बताइए कि सरकार कितना नाजायज कर रहा है, कि मैंने कि दुभाव कर रहा है, जहाँ पुलिसकर्मी जहाँ जाता है, जहाँ ड्यूटी के लिए हम भी महिला होकर जाते हैं, अब बताइए इतना हमने के सुबह शाम खटना होता है, आता ये मने कि हमने के कहे ना क्यों नहीं 25 लाख रुपया शहीद होला पर मिलेगा,
और कहे ना हमनी के 13 महीने का वेतन मिल रहा है, कितना गलती सरकार कर रहा है। जाहिर सी बात है कि संघ के महामंत्री ने साफ तौर से बताया है कि हम चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के लिए कंधे से कंधे मिला करके सिपाही के साथ हर जगह पे पानी हो, बरसात हो, या फिर आंधी हो, तूफान हो, या फिर कहीं भी मुठभेड़ में हम खड़े रहते हैं, उनके समान हमें भी उनके, अगर मुठभेड़ में हमारी भी मृत्यु हो जाती है तो उनके समान हमें भी राशि मिलनी चाहिए।